तो कैसे हैं भाई लोग, मैं दीप चैटर्जी आपका भाई स्वागत करता हूं आपको आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडुकेशन में। तो भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे जो तीन वेक्टर हम लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर में बचा हुआ था, वो दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ वेक्टर 11th फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जीरो वेक्टर से। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए, साथ में बैठ के अपने भाई के साथ पढ़िए जीरो वेक्टर। कॉपी में आप लोग लिखिए जीरो वेक्टर। तो समझते हैं भाई लोग जीरो वेक्टर होता क्या है। तो मान लीजिए, पहले मानिए मत, पहले आप सुन लीजिए कि जीरो वेक्टर होता क्या है। कि अगर आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब वो जीरो हो का मतलब क्या है कि वो चले ही ना कहीं, वो ना उधर जाए ना इधर जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो, उसका वैल्यू ही जीरो हो, और उसका डायरेक्शन क्या हो, उसका डायरेक्शन आर्बिट्री हो, उसका डायरेक्शन क्या हो, उसका डायरेक्शन आर्बिट्री हो, आर्बिट्री। इस आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, सुनने में अच्छा वर्ड लग रहा है पर है कुछ नहीं, इसका मतलब है कुछ भी। तो डायरेक्शन क्या हो, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको, कि कुछ भी हो, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आर्बिट्री होगा डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं मार्कर से ही, कि मान लीजिए ये एक आदमी है, लाइक दिस, आप लोग देख सकते हैं क्या, ये एक आदमी है, ये आदमी मान लीजिए आपके तरफ देख रहा है, ठीक है, और ये कुछ चल नहीं रहा आगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे है तो यहीं पे है, वो ना वो पीछे जा रहा है ना वो आगे आ रहा है, लाइक दिस, वो बस एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर एक ही जगह पे खड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जीरो है, ये कुछ चल नहीं रहा है, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है, किसी भी तरफ नहीं जा रहा है, ये बस अपने जगह पे खड़ा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अपने जगह पे खड़ा है तो ये किधर भी देख नहीं रहा है? ये तो इसका डायरेक्शन है ना, कि आपके तरफ देख रहा है या उधर देख रहा है, कि या मेरे तरफ देख रहा है या पीछे देख रहा है। तो मतलब अगर किसी का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका डायरेक्शन भी, उसका मतलब वो डायरेक्शन लेस होगा, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा। जैसे कि ये आदमी नहीं मतलब ये मार्कर प्राणी जो भी हो, एलियन, तो ये जो एलियन है या मार्कर वाला एलियन है, ये आपके तरफ देख रहा है पर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ये एक ही जगह पे खड़ा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जीरो, बट इसका डायरेक्शन किधर है, आपके तरफ है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्री। हो सकता है ये इधर खड़ा हुआ होता, इस तरह से उस तरफ देखता, तब भी इसका मैग्नीट्यूड जीरो ही होता और इसका डायरेक्शन उधर होता। अगर ये पीछे तरफ देखता कुछ इस तरह से, तो इसका सिर्फ हम लोगों को बाल दिखता और वो देखता उधर, तो इसका डायरेक्शन हो जाता उधर, पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता, जीरो। मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड जीरो रखने के बावजूद। तो हम लोग इसीलिए क्या है, क्या कि मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आर्बिट्री, मतलब कुछ भी, दैट्स इट। तो आप लोग बस इतना ही लिख लीजिए कि एनी वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, कुछ भी, आर्बिट्री। तो मैं इसे मिटाता हूँ। नेक्स्ट वेक्टर में हम लोग आते हैं, दैट इज कॉन्करेंट वेक्टर। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर है, समझ लीजिए एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, लाइक दिस, तो कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से निकले, मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन हो वो सेम हो, तब वैसा वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। मतलब एक ही पॉइंट से निकलने वाला, ओरिजिनेट होने वाला वेक्टर्स को हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ए बी सी, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे निकल नहीं रहा है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी वेक्टर को कॉन्करेंट बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कैसे, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं बना देता हूँ वो, और इस ए वेक्टर को उठा के इसका टेल जो है यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो कुछ ए वेक्टर यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, ए वेक्टर यहाँ पे आ गया। अभी ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को भी मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये बी वेक्टर भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और जो सी वेक्टर है, इसको भी उठा के मैं बिना टिल्ट किए यहाँ पे रख देता हूँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा सी वेक्टर। तो देखिए, ए बी सी का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है वो ओ है, तो तीनों का, तीनों वेक्टर का जो ओरिजिनेशन वाला पॉइंट है वो सेम जगह से है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए और बी और सी वेक्टर है वो आपस में कैसा वेक्टर है, कॉन्करेंट वेक्टर। और जिस पॉइंट में, जिस पॉइंट से वो तीनों वेक्टर या तीन से ज़्यादा या दो वेक्टर निकल रहा हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ वेक्टर, कॉन्करेंस ऑफ वेक्टर। ओके, मतलब हम लोग कह सकते हैं टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी व्हाट, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अगर अगर क्या हो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन सेम हो, सेम हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन क्या हो, सेम हो। दैट्स इट, कॉन्करेंट वेक्टर इतना ही था। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर में, दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर मैं आज खाली इंट्रोडक्शन दूंगा, इसका एक पूरा का पूरा टॉपिक है वेक्टर में आगे का चैप्टर्स में, मतलब आगे के टॉपिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखिए आप लोग टॉपिक यूनिट वेक्टर। तो जो हमारे मार्कर वाले आदमी थे, कहाँ गए भाई साहब, ये जो मार्कर वाले इंसान थे, ये गुड मॉर्निंग कहो इस सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, वट एवर। सो जो ये आदमी हैं मार्कर वाले भैया, ये मार्कर वाले भैया पहले क्या कर रहे थे, एक ही जगह पे खड़े रह रहे थे और आपको देख रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जा रहा था और इसका डायरेक्शन कुछ भी आर्बिट्री हो रहा था। पर अगर ये मार्कर वाले भैया अगर इस फ्लोर में हैं और इस फ्लोर से बस एक यूनिट आगे बढ़ रहा है लाइक दिस, तो बस वो एक यूनिट आगे बढ़ा लाइक दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वन। पर अभी भी डायरेक्शन क्या है इसका, आर्बिट्री। तो ऐसा कोई भी वेक्टर, ऐसा चलिए बाय, ये बाय बोल रहा आपको। तो अगर कोई आपके पास कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड वन हो, वन यूनिट हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन यूनिट हो, और उसका डायरेक्शन यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ भी मतलब आर्बिट्री। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो और डायरेक्शन कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे ए लिखते हैं मान लीजिए और उसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं टोपी, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। और इसका इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, इसे बोलते हैं क्या, ए कैप, ये हॉगवर्ट्स वाला टोपी है। चलिए यूनिट वेक्टर हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब इसको इस तरह से कि ए कैप लिख देते हैं और कैप को ऐसे बोलते हैं, मुंह से ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं कुछ इस तरह से हैं, ए कैप। और ये ए कैप जो है वो इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, ए कैप जो है वो इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसका, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि, अभी के लिए बस इतना समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर बना हुआ किससे 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 है, एक इस वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन ही कौन शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर का काम क्या है, वो बस एक यूनिट चल के आपको डायरेक्शन बता रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है, बस डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को, इस तरह से। ओके, तो यूनिट वेक्टर का इसलिए फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, यहाँ से ये बन जा रहा है कि ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ और वेक्टर एडिशंस पढ़ने के बाद, वेक्टर एलजेब्रा पढ़ने के बाद हम लोग का टॉपिक आएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसमें हम लोग आई जे के बारे में, आई कैप जे कैप के कैप के बारे में पढ़ेंगे। तब डिटेल्स में ये चीज़ को पढ़ना है आप हम लोगों को। अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर में जब आता है, तो बस इतना ही पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एलजेब्रा, दैट इज़ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, उसका अलग अलग मेथड्स हैं हम लोग के पास, जैसे कि पैलोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ वगैरह वगैरह। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके भाई के साथ चैटर्जी एजुकेशन के चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू भाई लोग, बाय।